आपने वो तीनों क्लब का मेंबर्स ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, आपका वो डिमांड क्या है? देखिए, ये ऐतिहासिक डे है आज के दिन। आज पहली मरतबा मोहन बगान इंडिविजुअल मॉडर्निंग के जो तमाम सेक्रेटरी जो है वहाँ आज मौजूद थे, और ये पहली मरतबा हम लोगों ने कलेक्टिवली फुटबॉल प्रेमी के लिए हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है कि जो डोरेंट कप जो यहाँ से बाहर शिफ्ट कर दिया गया है उसे किसी भी तरह से यहाँ पर लाया जाए, और ये मैच जो है ये डोरेंट कप के तमाम मैचेस जो है और डर्बी मैचेस हैं उसको दोबारा से यहाँ पर खेलने के लिए और दर्शक के मुँह में हंसी जो है ये लाने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है, और उम्मीद है कि ये प्रयास जो है हम लोगों का सफल होगा। और चार दिन से हम लोग इसके पीछे पड़े थे, हम लोगों ने डोरेंट कमेटी को भी हम लोगों ने चिट्ठी दिया और कहा है, और साथ साथ हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर अरुण विश्वास को भी हम लोगों ने उन्होंने एश्योरेंस भरोसा दिया है कि ये मैच को किसी भी तरह से हम लोग वापस लेकर आएंगे। अभी वो आरजी का इश्यू है, हम वो स्पोर्ट्स को क्या बोलना चाहिए? देखिए, आरजी का जो इशू हुआ है ये बहुत ही निंदनीय, बहुत ही दुर्भाग्य घटना घटा है, उसके लिए हम लोग तमाम लोग जो है इसको कंडेम करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि जितने भी हमारे
सपोर्टर है, चाहे मॉडर्न हो, चाहे ईस्ट बंगाल हो, चाहे मोहन बगान के, जो खेल प्रेमी है, जो खेल से मोहब्बत करते हैं, सभी का डिमांड यही है कि वी वांट जस्टिस। तो हम लोगों का यही अपील होगा कि हम लोगों को जल्द से जल्द जस्टिस मिले, और सेंट्रल एजेंसी हमारे सीबीआई से यही दरख्वास्त भी करूँगा कि आप लोग अपने इन्वेस्टिगेशन को जल्द से जल्द सामने लाए, और ये जो दोषी है उसे शास्ति मिले और उसे सजा मिले। एक्चुअली द फैंस ऑफ वो यू नो फैंस पूरा वो सड़क पे आया, वो प्रोटेस्ट किया, पुलिस ने उसको कस्टडी किया, ये सब क्यों होता है? तो पुलिस के बारे में, मिनिस्टर के बारे में, चीफ मिनिस्टर के बारे में आपको क्या बोलना चाहिए? देखिए, हम लोग वी वांट जस्टिस, वी डोंट वांट एनी रेजिग्नेशन ऑफ एनीबॉडीज रेजिग्नेशन, वी वांट जस्टिस। वी हैव कम ओवर हियर कलेक्टिवली एंड वी हैव डन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ओवर हियर एंड वी कंडेमिंग व्हाट हैपेंड। नाउ we are only concerned about the matches, the Durand Cup matches. We want the, all the matches should be shifted again to Calcutta, and I hope so it will be shifted very soon. Now shifted to where? Now it's shifted to Shillong and I think Guwahati, these two places. Now their promises, they have agreed our request, our Durand Cup committee and minister Arun Biswas Mahasaya, they have given assurance. I think it will be shifted very soon. Actually, last question is, this is very interesting, the Tino Club Day. हमने आपको पहले ही कहा कि ये this is the historic day, कि आज पहली मरतबा तीनों क्लब मिलकर, हम लोगों का ये कंसर्न है, हम लोगों को यही चाह रहे हैं कि किसी तरह का खेल जो है वो जो यहाँ से शिफ्ट हो गया है, वो खेल को किसी तरह से वापस लेकर आया जाए, कि खेल के साथ में कोई राजनीति, कोई ये जो राजनीति चल रहा है ये ना हो, खेल के जो प्रेमी है उसे खेलने का, खेल देखने का मौका दिया जाए, यही हम लोगों का मेन मकसद है। सर, यू आर जॉइनिंग हैंड्स फॉर द जस्टिस एंड नॉट फॉर द दैट इशू, इसमें कोई फैंस के बारे में थोड़ा वो है डिफरेंस है? लेकिन देखिए, फैंस जो है वो हम लोगों का हार्ट, बिना फैंस का पब्लिक स्पोर्टिंग क्लब ईस्ट बंगाल मोहन बगान क्लब, ये एक वाहिद पूरे हिंदुस्तान में क्लब है, और ख़ासतौर से मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब तो सिर्फ इंडिया नहीं, इंटरनेशनली सपोर्टर बेस्ड क्लब है, एंड आई थिंक वी आर हाईएस्ट सपोर्टर बेस्ड क्लब इन एशिया, आई थिंक वी हैव। तो हम लोगों का जो मेन प्रायोरिटी और हम लोगों का मेन जो मकसद है कि हमारा जो दर्शक है, सपोर्टर है, उनके लिए हम लोगों का जो ये है, उनके लिए समझ लीजिए कि रिस्पेक्ट और उनका जो सपोर्ट, उनका जज्बा, उनका जो है वो हम लोगों के लिए सर आँखों पे। तो मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि आप अपने खेल के लिए इस तरह से जो प्रोटेस्ट का मुजाहरा किया है, ये भी उनको हम सैल्यूट करते हैं, और हम यही चाहते हैं कि आइन को भी हाथ में ना लें, इस तरह के कानून जो है, कानून को कानून का तरह काम करने दें, किसी तरह का कानून के खिलाफ कुछ काम ना करें जिससे कानून को मजबूरन कोई स्टेप लेना पड़े। तो मैं तमाम दर्शक को यही कहूँगा कि किसी भी राजनीतिक दल से आप ना शामिल हो, उनसे इन्फ्लुएंस ना हो, अपने प्रोटेस्ट, आपका हक है, आपका अधिकार है, आप प्रोटेस्ट करें, और खेल के लिए जो है अब जितना प्रोटेस्ट करें, साथ साथ ये जो हमारे जो घटना जो घटी है राज्यकाल में, इसके लिए तो आप प्रोटेस्ट कर ही रहे हो, साथ साथ उन्होंने ये भी प्रोटेस्ट किया था कि खेल को वापस लाया गया, ये दोनों की तरफ हम लोगों का यही है कि किसी तरह से ये मामला को सुलझा दिया जाए और वहाँ खेल को वापस लाया जाए और यहाँ शास्ति हो गई। माय नेम इज इश्तियाक अहमद राजू, जनरल सेक्रेटरी ऑफ स्पोर्ट्स।